के नाम पर आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो, विकास के नाम पर आदिवासियों को रद्द करना होगा, आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो। नमस्कार जोहार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आज लगातार की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची है, क्योंकि मामला भी भूमि से जुड़ा हुआ है। आप एक तरफ देख सकते हैं कि एक तरफ जनसभा किया जा रहा है, बड़े बड़े मात्रा में यहाँ ग्रामीण सब इकट्ठा हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ कई आंदोलनकारी हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या मामला है कि यहाँ कचरा प्लांट जो बनने जा रहा है उसके लिए आप लोग मना कर रहे हैं, आखिरकार क्यों, और 10 साल पहले भी मना किया गया था? ये खैरबनी का गांव इतना साफ सुथरा गांव है, और उस गांव में यहाँ की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, और इसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उस तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए जिला प्रशासन इस गांव की ग्राम सभा को मान्यता नहीं देते हुए यहाँ कचरा प्लांट डंप करने का, कचरा प्लांट बनाने की उनका जो योजना है, इस योजना के खिलाफ में पूरा ग्राम सभा 2013 में बाकायदा झारखंड सरकार के निर्देश पर ही, झारखंड सरकार का एक निर्देश आया था जिसके तहत ये ग्राम सभा जो है दिनांक 22/7/2013 का वो लेटर झारखंड सरकार का जो पेशा कानून का हवाले देते हुए बताया था कि खैरबनी गांव में कचरा निस्तारण हेतु एक संयंत्र का निर्माण होगी, और इस हेतु जमीन एवं गांव की सहमति हेतु ग्राम सभा फलाना तारीख को आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावे स्थानीय हाथू मुंडा, ग्राम माझी बाबा और मुखिया उपस्थित रहेंगे। और ये जब हुई तो गांव के लोगों ने बैठक में आए, ग्राम सभा में लोग आए, मुखिया आए, प्रशासनिक पदाधिकारी भी आए, और उस दरमियान में दोनों तरफ से बातें रखी गई और सब सम्मति से वहाँ ग्राम सभा ने तय किया कि कचरा प्लांट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। 2013 में रिजेक्ट हो गई, उसके बाद प्रशासन वापस चले गए, उसके बाद दोबारा कोई नहीं आई। अब ऐसा क्या हो गया, अब 2023 में 10 साल के बाद अब जिला प्रशासन, ये डीसी विजय महोदय, ऐसा क्या हो गया कि दोबारा वो आनंद फानन में आ गए? इससे पहले हम लोगों ने सुना कि आपका दुमुहानी में बन रहा था, इससे पहले जो है ना हम लोग सुना कि लोग इंदौर में जाकर के एक नया टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं जिसमें कहीं जमीन देने के लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आज यहाँ 5-5 नोटिफाइड एरिया का पूरे जमशेदपुर, इंटायर आदितपुर, कपाली, मानगो और उसके बाद पूरे जमशेदपुर की जुगसलाई का एक कचरा जो है, पूरे जमशेदपुर के जितना औद्योगिक है जिसपे केमिकल से लेकर के हॉस्पिटल के जितने भी अपशिष्ट होंगे वो तमाम चीज़ों को, जहां तक हम लोग को खबर मिल रही है कि टनों का टन प्रत्येक दिन 400 टन जो है यहां पर डंप की जाएगी, और ये जो कचरा है, कचरा प्लांट, ये हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है जो बोलता है कि बिना ग्राम सभा का, बिना गाँव के सहमति का किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट जो है ना शेड्यूल इलाका में नहीं लगाई जा सकती है। तो ग्राम सभा जो है ये तय कर रही है आज कि क्या हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, और जबकि प्रशासन को हम लोगों ने कहा था, प्रशासन आज ऐसा एक तरफ से ये मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि आज 13 तारीख को डीसी मैडम द्वारा गठित एक कमेटी, विशेष स्पेशल कमेटी जिसमें एडीसी हैं, एसडीओ हैं, एलआरडीसी हैं और 5 नोटिफाइड के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, और उनके जो अफसर हैं वो आएंगे और संवाद करेंगे। हम लोगों ने संवाद की मांग की थी, लेकिन आज पता चला कि वो लोग कोई नहीं आए। तो ये कहने का मतलब है कि एक प्रकार से डीसी मैडम जो है या जिला प्रशासन जो है ग्राम सभा से भाग रही है, तो ग्राम सभा कराइए आप, आपको अगर दूसरा कुछ और ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप ग्राम सभा करिए, ग्राम सभा ओवर है, ओवलहर है, तो ग्राम सभा यदि तय कर देती है कि नहीं बनेगा तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा। चलिए सर, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे लोग भी हैं सर, क्या अगर प्रशासन अधिक हो जाए कि यहाँ बनाना ही है तो ग्राम सभा आगे का निर्णय किस तरह से लेगी? सर, सबसे पहले तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो खैरबनी सामूटोला में कचरा प्लांट जो निर्माण किया जा रहा है, वाकई में क्या ये सरकार की योजना है क्या? सवाल हमारा ये है, वाकई में ये सरकार की योजना है? अगर है तो इसको ग्राम सभा करने में क्या क्यों हिचकिचा रही है? और अगर ये अगर किसी कंपनी का ये प्रोजेक्ट है तो ये सामूटोला में क्यों? ये ट्राइबल गाँव क्या, ये क्या ट्राइबल गांव क्या, क्या इसको डस्टबिन समझ के रखा है क्या? अभी भी आप आदिवासी गांव में चला जाइए, एक वह ढेला भी कचरा आपको नहीं मिलेगा, और ये सारा शहर का कचरा यहां पर डंप करेगा तो ये तो बर्दाश्त करने का लायक है नहीं। तो इसमें जो डंप करने आएगी तो बड़ी बड़ी वाहनें भी आएगी, तो यहाँ के लोगों को भी काफ़ी नुकसान होगा क्या? बिल्कुल
बिल्कुल नुकसान होगा। अभी अभी हमें खबर मिला है यहाँ 400 टन डेली कचरा आएगा, और जहाँ तक खबर है कि यह हॉस्पिटल का भी कचरा यहाँ पे आएगा, और हॉस्पिटल का कचरा आपको पता होना चाहिए, मालूम ज्ञात हो कि किस तरह का केमिकल यहाँ होगा, यहाँ का खेती में ये मिलेगा, यहाँ का पानी में मिलेगा, तो पीने लायक तो पानी रहेगा क्या? चलिए, तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो क्या कहते हैं, क्या समर्थन में है, कि किस तरह से लगता है आपको आने वाले समय में क्या होगा? देखिए, किसी भी सूरत में यहाँ के ग्रामीण इसके समर्थन में नहीं है, और हर हाल में इस कचरा प्लांट का विरोध होगा, जब विरोध हो के ही रहेगा। और यहाँ के लोग, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस आगे का कार्रवाई क्या हो सकता है, यहाँ का लोग तो शहादत देने के लिए हर समय 24 घंटा तैयार रहता है, अपना जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। अभी बात है कि अब कंपनी अगर प्लांट बनाना ही चाहती है, कचरा का निस्तारण करना ही चाहती है, तो कंपनी के पास काफ़ी ज़मीनें हैं, और नोटिफाइड एरिया नोटिफाइड के पास भी काफ़ी ज़मीनें हैं, दूसरा जगह करे, नए सिरे से नए जगह का चुनाव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दो प्रोजेक्ट जो मनपिटा में जो ड्राइविंग सेंटर ट्रेनिंग सेंटर कंपनी का प्रस्तावित है, उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं, और गाँव के बिना सहमति का, गाँव का विरोध अगर है, गांव के लोग नहीं चाहते हैं, तो आप ये वेलफेयर स्टेट के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रही है लोकल प्रशासन, सरकार प्रशासन के माध्यम से, खास करके डीसी मैडम यहां का, और इसको किसी भी हाल में हम लोगों को मान्य नहीं है यहां का ग्राम सभा। तो यहां के जो विधायक है, क्या उनसे आप लोगों की बात हुई है इस मुद्दे पर? हाँ, विधायक के साथ लगातार बात हो रही है, उनके साथ संवाद हो रही है। आज तो प्रशासन को आना था ग्राम सभा में, इस मीटिंग में, और संवाद करने के लिए, और क्यों पीछे हटी, इस बात का भी आप लोगों को प्रेस के माध्यम से उनसे जानकारी लेना चाहिए, और उनसे सवाल करना चाहिए कि क्यों आप नहीं गए, ग्राम सभा से क्यों आप भाग रहे हैं। चलिए, एक और अहम सवाल हमारे मेरे जहन में ये है कि ये सरकार जो है अभी वर्तमान सरकार जल जंगल जमीन की बात करती है, तो क्या सरकारी कोई ऐसे लोगों से बात हो पाई है कि वो भी आके आप लोगों के समर्थन में खड़े रहे? देखिए, सरकार जो है, सरकार के सबसे बड़े जो जिसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री से हम लोगों ने मिला था, मुख्यमंत्री ने कहा है स्पष्ट रूप से हमको हमारे माजी परगना महल को और मुंडा मन की संघ को कि ग्राम सभा के बगैर मेरी सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी जबरदस्ती के तहत पहले के सरकारों की तरह लाठी गोली के बदौलत जो है ना कोई भी प्रोजेक्ट को लागू नहीं करने देगी। तो अब जो जिला प्रशासन है, हमारे पिछले दिनों हम लोगों ने कहा था कि भाई आप संवाद कीजिए, आज संवाद करने के दिन था, उन्होंने कहा कि 13 तारीख को हम खैरवनी गांव में जा करके पदाधिकारी ग्रामवासियों को संवाद करेंगे, ग्रामवासियों से बात करेंगे। तो कहने का मतलब, झारखंड सरकार यदि जिला प्रशासन हम लोग के ऊपर में किसी प्रकार के मनमानी करती है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और मुख्यमंत्री तक जाएंगे, राज्यपाल तक जाएंगे, राष्ट्रपति तक हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग किसी प्रकार से प्रशासन का जुल्म और अत्याचार के माध्यम से जो है ना झुकने वाले नहीं है। चलिए, बहरहाल आपको हम वो फैक्ट्री दिखाते हैं जिस जहाँ पे जो वो जमीन दिखाते हैं जहाँ पे फैक्ट्री कचरा प्लांट जो है बैठना है, ये वो जमीन है जिसके विषय में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, और जिल यहाँ पे ग्राम सभा भी रखा गया है। बहरहाल अब देखना ये है कि किस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे ग्रामीण विरोध लगातार कर रहे हैं कि इस कचरा फैक्ट्री को यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा। अब देखने की बात यह है कि आज 13 तारीख को जिला प्रशासन को यहाँ मौजूद होना था, लेकिन जिला प्रशासन यहाँ नहीं आई, यहाँ उनका के द्वारा संवाद किया जाना था ग्रामीणों से, उनके द्वारा संवाद भी नहीं किया गया। अब देखने की बात यह होगी कि आने वाला समय में जिला प्रशासन इस मामले में क्या निर्णय लेता है। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार, जमशेदपुर।